नमस्कार दर्शक मित्रों, अतिथि में फरी एक बार आपनु स्वागत है। अतिथि एटले वो कार्यक्रम के जे कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्तित्व साथ आपनी मुलाकात करावे छे ने वातो करे छे अंतरंग। आज आपनी साथ एक एवं व्यक्तित्व कि जेमणे समग्र जीवन समर्पित कर दीधु छे राष्ट्र प्रेम माटे, राष्ट्र भावना जागृत करवा माटे ने खास करीने विद्यार्थियों में आ भावना वधु जागृत थाय तेना माटे जेमणे समर्पित कर्युं छे तेवा सुनील आंबेकर जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ना राष्ट्रीय संगठन मंत्री। सुनील जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली उम्र होती है स्टूडेंट्स की मस्ती करने की, 1967 बॉर्न है, अभी ये उम्र भी नहीं है, क्या जरूरत पड़ी ये सब छोड़ के ये इसकी जगह आप जींस शर्ट अच्छे वाले शूज़ हाँ ऐसे पहन भी सकते थे, क्या 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 हुआ क्या कि आपने ऐसा डिसाइड कर लिया कि मुझे ये सब नहीं करना है, करना वही है जो राष्ट्र को फायदा करे। वैसे देखा जाए तो मतलब इसमें कोई सोच के नहीं किया जाती ऐसी बातें, लेकिन एक दिमाग होता है कि जैसे हम लोग जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था या उसी समय से एक ऐसी बात दिमाग में लगातार देखते थे कि लोग तो बोलते कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए, तो किसी ने बोला कि और होना चाहिए, आप तुम भी क्यों बोलते हो, तुम भी कुछ करो, तो लगा कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। तो फिर तब से एक धुन लग गई, फिर एक धुन लग गई तो फिर पीछे सोचा नहीं, फिर ये दिमाग में कैलकुलेशन ही नहीं किया कि ये करना है कि नहीं करना है, ये बोलना है कि नहीं बोलना है, बस वो धुन चली रही और ऐसे लगता है कि भगवान की कृपा से वो धुन चलती रहेगी। हायर एजुकेशन जूलॉजी में आपने मास्टर भी किया शायद मेरे हिसाब से, कभी लगता है ऐसा कि ये जो एजुकेटेड लोग खास करके जो ऐसे विद्वता जिनमें होती है अभ्यास के प्रति, उन लोगों का ज़्यादा देश सेवा में इन्वॉल्व होना जुड़ना ये कहीं कम हो गया है? मैं मानता हूँ हाँ थोड़ा सा कम हो गया हुआ था, क्योंकि एक समय हमारे देश में जैसी शिक्षा है, जैसा एक दबाव है, घर परिवार में भी दबाव है कि भैया अपना करियर करो करियर करो, तो देश स्वाधीन भी हो गया, अब ये सब करने की क्या बात है, ज़रूरत क्या है, ऐसा बोलने वाले भी बहुत लोग हैं, तो इसका ज़रूर एक युवाओं के मन पर प्रभाव हुआ है। लेकिन मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रहे, चाहे IIT में या और भी जगहों पर लोग पढ़ने जा रहे, तो उनके अंदर ये भाव आ रहा है कि भाई हम लोग मतलब क्योंकि वो दुनिया को देख रहे हैं, ये आधुनिक दुनिया के कारण उनको एक कनेक्टिविटी मिली है लोगों के साथ जुड़ने का, दुनिया को देखने का, तो वो सोच रहे कि भाई आखिर में टेक्नोलॉजी पैसा सब कुछ तो दुनिया के पास आ गया, हमारे पास भी आ गया, तो हम लोग है कौन, तो इस पर सोचने के लिए बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक परिवर्तन हो रहा है। मैं पिछले 10 सालों में एक बड़ा एक नया परिवर्तन अंदर में देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में बहुत पढ़े लिखे लोगों में भी देख रहा हूँ। स्टूडेंट संगठित करना, स्टूडेंट्स को संगठित करना मेरे हिसाब से बहुत ही कठिन काम है। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट से जो हर समय एक अलग अलग सोच लेके जाता है और उसकी सोच खुद की सोच, कई बार वो खुद की सोच को खुद वो भी खुद गलत बताता है, और हो सकता है कि एक महीने में सबसे ज्यादा कठिनाई क्या आती है एक विद्यार्थी संगठन के, एक जो आप जिम्मेदार एक अधिकारी उनके हिसाब से क्या लगता है आपको कि विद्यार्थियों को संगठित करने में सबसे दिक्कत वाली बात कौन सी है? सबसे दिक्कत तो उनका एक चंचल स्वभाव रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि आप उनको झूठ मूठ का बताकर इकट्ठा नहीं कर सकते, या आप उनको बड़ी बड़ी बातें बता के नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुरंत प्रश्न पूछते हैं, उनकी ये रहती है कि किसी भी चीज़ को ऐसी स्वीकार नहीं करते, वो जो भी चीज़ उनके सामने आएगी उसकी पूरी मतलब देख लेते कि अंदर क्या है उसके, पूछ लेते हैं पूरा, ऐसे ही फॉलो नहीं करते। इसलिए आपको संगठित करना है तो आपको उतनी मजबूती चाहिए आपके अंदर उतनी, या आप जो भी बात बता रहे उसके अंदर इतना दम चाहिए, उसमें उतना कंटेंट चाहिए, सच्चाई चाहिए। अगर वो है, अगर वो एक बार मान ले कि इसमें ये दम है, इसमें सच्चाई है, फिर वो अपनी जान लुटा देते हैं। गुमराह भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है? हाँ, जल्दी हो सकता है, संभावना होती है, क्योंकि वो इमोशनल होते हैं, उनके अंदर एक इमोशन होता है, और जल्दी से अगर किसी ने बोल दिया, उनके अंदर एक रहता है कि कोई गलत चीज़ देखते हैं तो उनके अंदर एक आक्रोश रहता है, जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई ये गड़बड़ कर रहा है, तो उसको तुरंत उसको एक ही सोल्यूशन दिमाग में आता है कि इसको इसको मार दो, इसको गोली मार दो, उसके दिमाग में एक ही सोल्यूशन तुरंत आता है, तो उसको इस सॉल्यूशन से निकाल कर उसको ये बताना है कि केवल गोली मारने से किसी को नहीं होगा, ठीक है आज़ादी का आंदोलन था वो खत्म हो गया,
अब हमारा देश है तो अब तुमको इसमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जोश में तो चीज़ें कर देता है लेकिन कंटिन्यूसली चीज़ें करने के लिए उसका मन बनाना ये कठिन चीज़ होती है और इसीलिए वो उसको संगठित करना भी कठिन होता है। लेकिन स्टूडेंट्स का क्या रहता है, वो दोस्ती में बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, दोस्ती दोस्ती में। अगर आप ऐसा माहौल बना दो संगठन के अंदर या उनको कोई भी आप कार्यक्रम करो जिसमें लोगों को इकट्ठा लाओ, एक दोस्ती का माहौल दो उनको, दोस्ती दोस्ती में बातें समझाओ, बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें की जगह दोस्ती में सहज रूप से समझाओ तो बहुत आराम से समझ जाते हैं। और फिर एक बार उस दोस्ती को वो बना लेते हैं या किसी विषय के साथ दोस्ती बना लेते हैं तो फिर उनकी निभाने की जो उनका, आपने एक बिल्कुल सही बात बताई कि टीचर्स पेरेंट्स ये सभी लोग ज़्यादातर बच्चों को यही सीख देते हैं कि पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई ही करनी चाहिए, आने वाले दिनों में ये सब झंडे कुछ काम में आने वाले नहीं है, ये स्लोगन कुछ काम में आने वाले नहीं है, ये जो आपको नेता आपको लेके जा रहे हैं भीड़ इकट्ठा करते हैं वो कोई खड़े रहने वाले नहीं है, कोई जेब में पैसा दे के जाने वाला नहीं है। कितनी सच्चाई कि जब भी कोई विद्यार्थी एक संगठन में जब इन्वॉल्व होता है, मेंबर बनता है, क्या एक्सप्लोटेशन होता है, क्या अपने आप को निखारता है या फिर कहीं कैरियर से भटक जाता है? देखिए, समाज में कोई एक बात तो होती नहीं है, कई प्रकार के संगठन हैं, कई प्रकार के लोग हैं और नौजवानों से कौन उनका उपयोग नहीं करना चाहता है। बहुत सारे संगठन हैं जो किसी को बंदूक देकर नक्सलवादी बनाना चाहते हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो अपने राजनीतिक दल के लिए उनका उपयोग करना चाहते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं कई आतंकवादी बना रहे, कोई कुछ कर रहे, कई मार्केटिंग कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए उनका उपयोग करना चाहते हैं, लड़कियों का उपयोग करना चाहते, तो ऐसे बहुत सारे एक आकर्षण होते हैं जिससे विद्यार्थी या युवा जो होता है टेम्पटेशन उसको एक आकर्षण बन जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन ऐसे भी संगठन हैं जिस संगठन से मैं भी जुड़ा हूँ या मेरे सिवा और भी ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे संगठन हैं जो वास्तव में विद्यार्थियों को अच्छी दिशा देते हैं। इसलिए ये तो नहीं होता कि कहीं रेलवे में या एयर फ्लाइट में एक्सीडेंट हो गया तो हम उसमें चढ़ेंगे ही नहीं, तो ये तो गलत बात हो गई। इसलिए गलत अनुभव आते हैं, गलत चीज़ें होती है, लेकिन उसके बाद भी आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो केवल किताबों तक सीमित रहने से जीवन आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको जीवन में 8 घंटे की पढ़ाई तो आपको मिल सकती किताबों से, जिसमें आपका वर्किंग आवर्स का आप पढ़ाई मिल सकती है आपको, लेकिन जीवन तो 24 आवर्स का है तो उसकी पढ़ाई आपको सोसाइटी में समाज में जाने से ही मिल सकती है। तो माध्यम कोई भी हो सकता है, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, संगठन हो सकता है, व्यक्तिगत रूप में भी हो सकता है, लेकिन मैं हर एक विद्यार्थी को ये ज़रूर कहूँगा कि तुमको समाज के साथ जिसमें तुम्हारा इंटरेक्शन हो, जिसमें विद्यार्थी रहते हुए समाज के लिए कुछ करने का तुम्हें अवसर हो, देश के लिए सोचने का कोई अवसर हो, ऐसे अवसर तुमको लेना ही चाहिए। हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे संगठन के माध्यम से भी ऐसा कोई एक अवसर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक जो भी पेरेंट सोर्स है दैट इज RSS, यू ऑलवेज डिनाई कि वी आर नॉट कनेक्टेड विद BJP। बार बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों से ये चलती है या तो उनकी कठपुतली है BBP, लेकिन आप हरदम ये कोशिश करते बताने की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा है ये बताने की आप कोशिश करते। क्या आपको लगता है कि इस वजह से मुस्लिम और क्रिश्चियंस स्टूडेंट्स कम जुड़ते हैं? अगर ये टीका नहीं लगा होता तो हो सकता है कि वो कम्युनिटी के स्टूडेंट्स भी आप अपने तरफ बटोर पाते? मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग ये कहते हैं कि भाई ज़रूर हम लोग संघ विचार से प्रेरित होकर ये संगठन बना है और संघ विचार एक अच्छी बात है, देश के लोगों को एक अच्छे अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित करता है और इसीलिए संगठन तो अपने आप में स्वायत्त है, वो संघ की भी शाखा नहीं है, संघ कोई ऐसी शाखा नहीं बनाता, संघ अपनी शाखा चलाता है, तो संघ से प्रेरित होकर यह संगठन चलता है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि मुसलमान या क्रिश्चियन विद्यार्थी जुड़ने का, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम लोग विद्यार्थियों के पास अगर कहीं कमी रह गई तो हम लोग पहुँचने में शायद कमी रह गई हमारे, लेकिन ये बात नहीं आ रही है, जहाँ भी हम पहुँच रहे लोग आ रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि आजकल हमारे देश में जो भी सेकुलरवादी जैसे आतंकवादी होते हैं या अलगाववादी होते हैं, वैसे नक्सलवादी, वैसे सेकुलरवादी नाम की भी एक जमात है जो लोगों को भ्रमित करते हैं, झूठी बातें बताते हैं, जबकि धर्म एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति को अच्छे जीवन जीने के लिए एक तरीका बताती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये हिंदुस्तान में हम लोग अगर रहते हैं
तो यहाँ तो इस किस दुनिया के बारे में सबसे अच्छी रीति नीति लगाई गई है, तो उसको बोलने में मुझे लगता कोई खराबी बात नहीं है। और यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो इसी जाति में यहीं जन्मे हुए हैं, इसी मिट्टी में रहे, इसी मिट्टी में उनके पूर्वज रहे, इसलिए वो कहीं बाहर से नहीं आए, न कहीं बाहर उनको जाना है। आप उनको नहीं मानते कि वो उनका ओरिजिन कहीं जो है वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है? नहीं, आपको यही लगता है कि वो हमारे ही थे और हमारे ही है, हमारे ही है। देखिए, लेकिन फिर भी जुड़ते नहीं है? नहीं, भी सच्चाई है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रक्रिया में जुड़ने का कारण जो है, जुड़ने का प्रमाण जो है, मैं ये जरूर कहूँगा कि जुड़ रहे लोग, शहरों में तो बहुत जुड़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जुड़ने का मौका आना है। दूसरी बात क्या है, पहली बात तो ये सारे विद्यार्थियों का सक्रिय ऐसे रचनात्मक कार्यों में और सहभाग बढ़ना है। हमारे देश में क्या हुआ है, हमारे देश में जिस तरीके से ऐसी राजनीति आई है कि जो कभी अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के नाम पर, मैंने जो सेकुलरवादी लोगों का नाम लिया, तो एक मिस कैंपेन देश में बहुत है अपना। क्योंकि अगर इस देश में सारे लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन और ये सारे लोग भारत माता की जय बोलने लगेंगे तो भारत इतना मजबूत बनेगा। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग हैं कि जो शायद इस तरीके के मजबूत भारत को नहीं देखना चाहते हैं, और इसीलिए कई सारे अंग्रेजी शिक्षा से पीड़ित हैं, मैकाले की शिक्षा से पीड़ित। इसी बात पे आऊँगा, ये मैकाले की जो शिक्षा पद्धति जो है उसी पे बात करेंगे, राजनीति पे भी बात करेंगे। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, समय थयो छे विरामनो, विराम बाद वात चालू राखीशु अतिथिमां। ब्रेक बाद फरी एक और स्वागत है अपनू कार्यक्रम अतिथिमा। सुनील जी, ब्रेक से पहले आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि कई राजनेता और राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो मुर्दाबाद और जिंदाबाद में युवा धन का या तो स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करती है। एबीवीपी भी कई बार जी टूल बन चुकी है, क्या अभी तक एबीवीपी हैज़ नॉट रियलाइज्ड, या तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वी आर अ टूल ऑफ बीजेपी? क्या एक्सेप्ट करते हैं या उनको डिनाई करते हैं आप? ये मुझे लगता है कि आपको अगर देश के बारे में इंडिपेंडेंटली सोचना है तो मुझे लगता है कि पहले इस फीलिया या फोबिया जो भी आप सोचते हैं इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए, देश विद्यार्थी परिषद ने अपने स्थापना काल से एक बात कही कि विद्यार्थियों को अगर अपना एक इंडिपेंडेंट संगठन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजनीति हमेशा एक लिमिट तक आके रुक जाती है, उसको अपने एक वोट की जो उसका गणित होता है उसके बाहर वो नहीं जा सकते, उस मर्यादा में रहते हैं। अगर आपको सही में देश की सच्ची बातें बोलनी है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा ले लो, चाहे देश के राजनीतिक मुद्दे ले लो, आतंकवाद का कोई भी मुद्दा ले लो, आप उस मुद्दे पर आपको खरी खरी बात बोलनी है, करप्शन का मुद्दा ले लो, खरी खरी बात आपको बोलनी है, तो आपका संगठन अगर अपने निर्णय की दृष्टि से, अपने लीडरशिप की दृष्टि से, अपने फाइनेंसेस की दृष्टि से, अगर वो विद्यार्थी संगठन अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो वो ऐसी बात नहीं बोल सकता। तो इसीलिए विद्यार्थी परिषद ने, ठीक है, हर संगठन का अपना राजनीतिक विचार होगा, राजनीतिक विचार तो होगा ही, हम लोकतंत्र में चल रहे हैं तो राजनीतिक विचार होने में तो मुक्तता है पूरी, हरेक का होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ आता है कि जहाँ कन्फ्लिक्ट आता है कि हम दल का स्वार्थ देखेंगे या समाज हित देखेंगे, तो वहाँ विद्यार्थी परिषद आप अलग, बाकी संगठन से आपको अलग दिखेगी कि जो उस मौके पर निश्चित रूप से जो विद्यार्थियों की शिक्षा का हित का मुद्दा हो, देश हित का मुद्दा हो, उस पर डंके की चोट पर अपनी बात को सही रूप से रखती है, और चाहे वो कोई भी हो उस पर अपनी बात सही रूप में रख कर उस पर आंदोलन भी करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एबीवीपी के खुद के विचार भी है जी, क्या होनी चाहिए नीति? कई बार होता है कि शिक्षा नीति में जैसे मिनिस्टर बदल गया, एजुकेशन मिनिस्टर, तो एक नई बात आ गई बिल्कुल, और उसको कंपलसरी बिल्कुल पूरे देश पे ठोपा जाता है। जैसे कोई शिक्षा मंत्री बदल गया या सरकार बदल गई, शिक्षा नीति के बारे में एबीवीपी खुद क्या मानती है? हम लोग ये मानते हैं कि शिक्षा के बारे में दो बातें हैं। पहली बात है कि उसकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो। तो आज जैसे शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, ये हो रहा है, हम लोग ये मानते हैं कि हमारे देश में एक वेलफेयर स्टेट है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए पहली बात है कि उसमें गवर्नमेंट का रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। आजकल कई लोग जो बोलते हैं कि सरकार का रोल शिक्षा में भी कम हो जाए, नहीं, शिक्षा में सरकार का रोल है।
हम लोग ये मानते हैं कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, निजी लोगों को भी सामने आना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन निजी व्यवस्था में अगर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा, अगर एक इंटरवेंशन नहीं होगा, तो वो व्यापारीकरण की तरफ चली जाएगी, शोषण की व्यवस्था बन जाएगी, जो कि अभी है। हाँ, अभी बन रही है, अभी है। इसीलिए हम लोगों का ये लगातार डिमांड है। लेकिन आपकी डिमांड है, लेकिन कहीं वो दिखता नहीं है कि एबीवीपी के प्रेशर की वजह से। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं आपको रोकता हूँ। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, अगर एबीवीपी का इंटरवेंशन न होता तो आज जितने भी आप सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस देख रहे हैं ना, वो भी कमर्शियलाइज हो जाते कंपनियों की तरह, उनको भी सरकारें बेच देती। ये तो एबीवीपी का लगातार संघर्ष है कि जिसके कारण कोई भी सरकार ये नहीं कर पाई है, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा। दूसरी बात, कई सारे राज्य हैं, आज अगर शिक्षण शुल्क समिति बनी है हर प्रांत में, ठीक है, और इफेक्टिव कर रहे हैं हम लोग। अगर मेडिकल एंट्रेंस के बारे में जो बातें हो रही है वो अगर देश में सामने आई है, तो वो बातें अगर आई है तो हम लोगों ने जो सतत संघर्ष किया उसके कारण से आई है। सरकारें जो बिल लाई है डोनेशंस को रोकने के लिए, उसमें विद्यार्थी परिषद ने पहल की है। कई राज्यों में फीस के बारे में हम लोग और उसमें पहल कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है। ये आप कह रहे हो, मेरे हिसाब से हमारे जो लाखों दर्शक सुन रहे हैं, ये अभी तक ऐसा ही मानते थे कि राजकीय जो भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने अभी तक क्रेडिट लिया है। नहीं 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 नहीं, क्रेडिट मिला नहीं है, तो इतना हाईलाइट नहीं हुआ है। हाँ, तो हाईलाइट होना चाहिए। जनता पार्टी ये कहना चाहता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से हाईलाइट करना चाहता हूं, आपके कंधे का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने क्रेडिट नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत, ये आप दूसरी दिशा में ले जा रहे विषय को। भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले रही है कि हमने करवाया, एबीवीपी ने नहीं दिया। मैं तो ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस और देश के जितने भी दल है वो सभी क्रेडिट ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये काम होना चाहिए। हम लोग ये कह रहे हैं, हम लोग अभी इस चुनाव में आने वाले समय में सभी राजनीतिक दल को कह रहे हैं कि ऐसा कोई कानून लेके आइए, क्योंकि हमारे देश की फीस क्या हो, एडमिशन की प्रोसेस क्या हो, हर कॉलेजेस में कम से कम, जैसे स्कूलों में आज कोर्ट ने बोला है आरटीए में 25% सामान्य विद्यार्थी को एडमिशन। मैं चाहता हूं कि निजी जितने कॉलेजेस है उसमें भी 25% ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हम सब राजनीतिक दलों पर दबाव बना रहे हैं, कई राज्यों में हम लोगों ने इसके लिए बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं लगातार, और इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसी हो इस पर कानून बनना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कानून बनाया है, तो उस कारण से एंट्रेंस की काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है। तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कुल मिलाकर जो ग्लोबलाइजेशन की हवा आई, इससे सारे लोग प्रभावित हैं, किसी भी राजनीतिक दल के हो, तो इसीलिए ये, और जनता भी प्रभावित है। हम लोग जब बोलते हैं कि ये क्या चुनाव के वक्त आप डिक्लेयर करना चाहेंगे कि ये नीति अगर जो लाना चाहेंगे हम उन्हीं को समर्थन देंगे? हमने डिक्लेयर कर दिया है, हमने ये बोला है। अगर ये यूपीए कहता है कि हम करेंगे तो कांग्रेस कहती है तो आप उनको कांग्रेस को समर्थन करेंगे? हमने सभी राजनीतिक दल को, समर्थन का मुद्दा नहीं है, हमने सभी राजनीतिक दल को बोला है, हम सभी राजनीतिक दल के नेताओं के पास भी अपना ज्ञापन लेकर गए हैं कि भैया आपके मैनिफेस्टो में, आपके निर्णयों में ये बात आनी चाहिए। ये हमारी सोच है देश के फायदे की, देश के फायदे, एबीवीपी की है, बिल्कुल एबीवीपी। और अगर 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 ये उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो लेते हैं तो आपका समर्थन और भी कई मुद्दे हैं, और भी मतलब जो भी होगा और भी समर्थन आपके रहेंगे। अभी और भी कई मुद्दे हैं, ये मैं क्या कहता हूँ, मतलब जो जो मुद्दे होंगे उनको जो समर्थन करेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको उनको आप देखिए, बहुत सारे मुद्दे उनको फेवर करेंगे आप। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सारे मुद्दे हैं, युवा इतने समझदार है, विद्यार्थी परिषद जब ये 10 बातें बोल रही है, चाहे शिक्षा के बारे में हो, और ये केवल युवाओं का विषय नहीं, पूरे समाज का विषय। हम ये चाहते हैं कि राजनीति, जैसे विकास की बात आ रही है वैसे शिक्षा में हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, ये जनता की मांग बननी चाहिए, इसलिए हम जन जागृति का काम कर रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में इस पर जागृति करेंगे कि वोटर्स का एजेंडा क्या होना चाहिए, कि वोटर्स का एजेंडा ये होना चाहिए कि हमारे नई पीढ़ी को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए। वो एजेंडा बनेगा तो मुझे लगता है सब राजनीतिक दलों पर इसका दबाव आएगा, उससे हमको समाधान मिलेगा। Okay, वो ज्यादा महत्व। ओके ओके, राजनीति की बात चले बिल्कुल ट्रैक पर आ गई है, लेकिन वक्त अगेन एक हुआ है, बम पाया हुआ है, रोकेंगे गाड़ी को। दर्शक मित्रों, समय था जो फरी एक अंतिम विराम नो, विराम बाद अंतिम तबक्कानी वातो सुनील जी साथ है। विरामबाद फरी एक और स्वागत है आपनों कार्यक्रम अतिथि मासूल जी। आपने बताया कि राजनीति में बिल्कुल प्रभाव डालने की कोशिश एबीवीपी की हर वक्त रही है, बिल्कुल, और युवाओं की सोच है, उनकी अभिव्यक्ति का असर बिल्कुल राजनीति पे होना चाहिए। अभी लगता है आपको कि ये जो पिछले 3-4 महीने से एक अरविंद केजरीवाल की जो हवा चली है, युवा कहीं उस दिशा में कहीं जुड़ना शुरू किया है,
क्योंकि युवाओं को जैसे पहले ही शुरू में आपने बताया, युवा को कुछ नई सोच दो, अपने आप वो पकड़ लेते हैं, उनको पसंद आता है, चाहे वो फिल्म में फिल्म स्टार हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो। एक वक्त में राहुल गांधी जो कि युवाओं के पसंदीदा थे, बाद में नरेंद्र जी आ गए, अभी अरविंद जी, सिंप्लिसिटी उनको मैं आपको सिंपल एक बात बता देता हूँ, मैं आपको सिंपल एक बात बता देता हूँ, दिल्ली में हर साल डुसू का चुनाव हो रहा है और इतनी सारी भागदौड़ में भी विद्यार्थी परिषद ही इस बार भी चुनाव जीती है, 4 में से 3 सीट वीवीपी ने जीती है। पहले 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 पास्ट में इतने अच्छे 4 में से 3 कांग्रेस की भी आती थी, आए हैं, हाँ आए हैं, ये मेरे हिसाब से 6 साल के बाद पहली बार नहीं 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 मैं तो आपको पूरा स्टैटिस्टिक दे सकता हूँ, लेकिन वो शायद आज का समय नहीं है क्योंकि मैं तो उसी में हूँ, तो मैं आपको स्टैटिस्टिक दे सकता हूँ कौन से साल कितने लोग कितने जीते, लेकिन वो आज का समय नहीं है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, जबकि आपने प्रासंगिक बात, लेकिन यूथ जुड़ा है, कहीं डाइवर्ट हुआ है कहाँ, ये केजरीवाल जी की कुछ सिंप्लिसिटी से कहीं प्रभावित हुआ आपको दिखता है? नहीं, युवा तो हर एक नेताओं से पूरे समाज में ये चाह रहा है, उसकी नज़र एक ही बात पर है कि इस देश को एक सुपर पावर और एक ग्रेट नेशन ऐसा कौन बना सकता है, वो तो ढूंढ रहा है। युवाओं की एक महत्वाकांक्षा है ये, वो चाहता है देश का विकास हो, वो लेकिन चाहता है कि देश का विकास रचनात्मक तरीके से हो, वो नहीं चाहता कि नक्सली जैसे कोई विचार सामने आए, वो नहीं चाहता राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट हो, वो चाहता है राइट टू इलेक्ट चाहता है, वो वोट करना चाहता है, वो पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि सब्सिडी किसको कितनी मिल रही है, किसको कितना, कौन चावल दे रहा है, कौन पानी दे रहा है, कोई बिजली दे रहा है, वो ये नहीं चाहता है, वो ये चाहता है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बने कि जिसके कारण हर युवा को रोजगार मिले, वो फुकट में नहीं चाहता है, वो ये चाहता है कि आप पॉलिसीज बनाओ कि जिसके कारण लोगों को इस तरीके का रोजगार मिले, हर व्यक्ति के पास वैसी पावर आए, वो चाहता है हमें शिक्षा चाहिए, वो ये सब चाहता है, वो चाहता है कि ऐसे कॉलेजेस बने, तो वो उसकी ज़्यादा चाह है, वो उस पर दबाव देना चाहता है। वही उनकी चाहत कहीं उनको ये जो उनकी आस थी, मुझे नहीं लगता, वो मेरे हिसाब से अरविंद मुझे नहीं लगता कि मुझे ये लगता है कि आज का विद्यार्थी, आज का जो युवा है, वो बहुत तरीके से इतने जल्दी से किसी भी राजनीतिक दल, वो अन्ना पर भरोसा कर सकता है लेकिन किसी भी राजनीतिक दल पर वो आँख मुंद पर अभी विश्वास करने के मूड में नहीं है, वो सभी को परख रहा है, सभी को देख रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि वो देखेगा, समझेगा और वक्त आने पर वो सही, समझेगा, सही चुनाव करेगा, वो सही चुनाव समझेगा, वो अभी वो मतलब भोला भाला नहीं है, वो बहुत समझदार है, और वो भोला भाला, उसको किसी को कोई भोला भाला मतलब ऐसे समझ के उसको कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता, मेरा ही विश्वास है, इसलिए वो सही दिशा में जाएगा। और राजनीति ऐसा, मैं ऐसा मानता हूँ, अपने राजनीति का विषय छेड़ा है, इसलिए देखिए, कोई अगर ये कहता है कि मतलब एक दिन में मतलब पूरे देश की सफाई हो जाएगी, तो मैं वो फिल्मों में हो सकती है, हाँ मतलब हमारा देश कोई अरब कंट्रीज का नहीं है कि जिसमें अरब स्प्रिंग आ गया और चेंज हो गया, वहाँ भी अरब स्प्रिंग में क्या हालत हुई हम लोग देख रहे हैं, इसलिए अच्छा है कि हम सब मिलकर प्रयास करें। यहाँ राजनीति में या समाज जीवन में जब हम देश की बात करते हैं तो किसी की किसी से दुश्मनी नहीं होना चाहिए, अगर 20%, 40%, 50% बीजेपी कंट्रीब्यूट कर रही है तो 20% कांग्रेस भी कर रही, कोई लालू भी करेंगे, हर एक का कंट्रीब्यूशन होगा, तो मुझे लगता है कि आज देश के युवा ऐसी राजनीति चाहते हैं। सुन लीजिए अंतिम, विद्यार्थी परिषद ने एक, मैं अंतिम बात बोल देता हूँ इसमें, विद्यार्थी परिषद ने ये प्रयास किया है कि हम लोग छात्राओं को एक लीडरशिप में लाना चाह रहे हैं, केवल उनका सहभाग नहीं, और उनको एक नए अवसर देना चाह रहे हैं, इसलिए हमने बहुत व्यापक अभियान लगातार हम लोग चला रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है, इसमें बहुत सारी सफलता भी मिल रही है। ओके, अंतिम सवाल सुनील जी की, विद्यार्थी अगर विद्यार्थी काल में ही अगर ऐसी संस्था के साथ जुड़ता है, कोई भी विचारधारा वाली हो, जी, जी। लेकिन जो मेन स्ट्रीम में लोगों के साथ सीधा जुड़ना, लोगों की जो बातें, जो भी प्रश्न है उनको लेके उनके प्रति अपनी जो भी सोच है वो गवर्नमेंट के समक्ष रखना या तो लोगों के बीच में आना, ये कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने वाली ये सब मेरे हिसाब से प्रैक्टिस है, क्या ये बात मानते हैं आप? अच्छी लीडरशिप क्वालिटी जो है ऐसे संगठनों से मिलती है और यहाँ से लीडर्स भी अच्छे अच्छे मिल भी सकते हैं इस समाज को, इस देश को, इस राज्य को। गुजरात में कॉलेजों में चुनाव बंद है जी, क्या आप चाहेंगे कि ये चुनाव हो? होने ही चाहिए, जिसके वजह से, और ये बंद है कहीं जो अच्छे अच्छे जो प्रोडक्शन बंद हो गया अच्छे नेताओं का, जो क्योंकि बाहर से IPS IAS की तरह आ जाते हैं, जो उन्होंने फील्ड वर्क काम नहीं किया है, ओके सीधे अपॉइंटेड आ जाते पॉलिटिक्स में, इसकी जगह पर अगर विद्यार्थी चुनाव का अनुभव लेके विद्यार्थी काल में अगर ऊपर आता है तो उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है, और गुजरात के बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल फर्क पड़ता है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए
और गुजरात में भी होने ही चाहिए, गुजरात क्या पूरे देश में होने चाहिए। अब इसमें मुझे लगता है कि मैं आपके माध्यम से सब लोगों को कहना चाहता हूँ, इसमें राजनीतिक दल एक कम ज़्यादा मात्रा में सभी लोग भी समाज के दबाव के कारण आज इस पर पहल ज़्यादा नहीं कर रहे। दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में तो चल रहा है, लेकिन कई सारे लोग इसमें पहल इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हमारे प्रिंसिपल, हमारे अभिभावक, समाज में कई सारी ऐसी चर्चाएं चलाई जाती है कि भाई छात्र संघ चुनाव हो जाएगा तो मारपीट हो जाएगी, छात्र संघ चुनाव हो जाएगा तो ये हो जाएगा, विद्यार्थी का पढ़ाई से डाइवर्शन हो जाएगा, ऐसी कई सारी बातें चलती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि समाज में ऐसी एक जागृति होने की ज़रूरत है, पूरे समाज को ये कन्विंस होने की ज़रूरत है कि इससे हम समाज को एक अच्छी लीडरशिप देंगे। बहुत सारे बदलाव एबीवीपी ने अपने आंदोलनों के द्वारा बहुत सारे बदलाव लाए, क्या इसके बारे में भी आंदोलन करने का आने वाले दिनों में प्लान गुजरात स्टेट? बिल्कुल है, 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 है। हम लोग लगातार कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, हम लोग आने वाले समय में करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, बहुत बहुत, बहुत अच्छा। मैं भी आपके माध्यम से सभी लोगों को और आपके चैनल को धन्यवाद देना। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शक मित्रों, आती बात सुनील जी साथ नहीं, विद्यार्थी संगठन साथ काम करूँ एक अलग ज अनुभव हो, अनुभव आधार वर्षों थी जो सतत संकड़ा रहा है सुनील आंबेकर जी, अने एमणे जे प्रमाणे वात करी कि विद्यार्थी में एक जुनून होय छे, एक जोश होय छे, परंतु सवाल होय छे तेने प्रॉपर डिरेक्शन में लई जवानो, अने क्यांक ए राष्ट्रभक्ति राष्ट्रप्रेमना ट्रेक परथी उतरीने बीजी खंडनात्मक प्रवृत्ति तरफ न जाए तेनुं ध्यान दरेके दरेक विद्यार्थी संगठन राखवानुं होय छे। थैंक यू वेरी मच अगेन। नेक्स्ट एपिसोडमां मळीशुं एक नवा अतिथि साथे, त्यां सुधी आपसो नमस्कार।